अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस बीजेपी के दो विधायक में जमकर झड़प देखने को मिली। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में बैठक चल रही थी जिसमें प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। वहीं बैठक के दौरान मटन की दुकान खोलने के लिए राजधानी भोपाल के दो विधायक आरिफ मसूद और विधायक रामेश्वर शर्मा में जमकर जुबानी जंग देखने को मिली। प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक चल रही थी। इसी दौरान कांग्रेस और बीजेपी के दो विधायक में जुबानी जंग तेज हो गई। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला रामेश्वर शर्मा ने उठाया था कि न्यू मार्केट में बापू की कुटिया रात 10 बजे बंद हो जाती है तो मटन की दुकान क्यों खुली रहती है, आखिर एक ही शहर में दो अलग अलग व्यवस्था क्यों। वहीं विधायक आरिफ मसूद का गुस्सा फूट पड़ा और कहा कि हम तो चलाएंगे, आप चाहो तो रुकवा लो। आरिफ मसूद ने रामेश्वर शर्मा से कहा कि मटन की दुकान आपको दिख रही है लेकिन रात में शराब की दुकान खुली रहती है, उस पर आप क्यों कुछ नहीं बोलते हो। बता दें कि इस बैठक में मंदिरों के आसपास की जगह पर मटन चिकन की दुकान खोलने पर भी मुद्दा गरमाया हुआ था। वहीं इस बैठक पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी सहमति जाहिर की।